वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शारदा बाल निकेतन अलाय क्लास फाइव सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट भी आज पाँच नंबर हैं उसका हम प्रश्न करेंगे यूनिट पाँच की एक्टिविटी सेकंड एम देखिए मैच द कॉलर्स विथ थियर नेम्स तो इस प्रश्न का तरीक़ा होता है हमारे को क्या करना है रंगों को मिलाना जिस मीनिंग से जैसा रंग है उसको उस मीनिंग से मिलाना तो पहले हम इसका उच्चारण करेंगे जी आर डबल ई एन ग्रीन यानी हरा पी आई एन के पिंक यानी गुलाबी पी यू आर पी एल ई पर्पल यानी बैंगनी। बी एल यू ई -E, ब्लू यानी नीला वाई ई डबल एल ओ डबल यू येल्लो पीला आर ई -E D आर ई डी रेड यानी लाल ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज यानी नौर जी आर ई वाई ग्रे यानी स्लेटी रंग तो इस प्रकार हमारे को इंग्लिश में जो मीनिंग दी हुई है उसका हमने अर्थ समझ लिया पहले में हरा दूसरा गुलाबी तीसरा बैंगनी चौथा नीला फिर पीला फिर लाल फिर नौरी और फिर स्लेटी मतलब ये मीनिंगों के अर्थ है अब हमको क्या करना है भैया बहनों जो हमारे सामने चित्र दिया हुआ है रंगों को तो उस रंगों को हमारे को क्या करना है मिलान करना है तो देखिए हम पहले ग्रीन को मिलाएंगे चार नंबर से जो ग्रीन है उसको हम चार नंबर से मिलाएंगे ये मिला दिया ग्रीन ठीक है नंबर दो की मीनिंग है पिंक तो हम पिंक को किससे मिलाएंगे तो पिंक देखिए सात नंबर की मीनिंग में पिंक मिलाएंगे ये देखिए पिंक कलर फिर है आगे है पर्पल पी यू आर पी एल ई पर्पल यानी बेंगनी कलर तो इसको हम बेंगनी कलर को किससे मिलाएंगे? ये मिला दिया बेंगनी कलर फिर है नीचे ब्लू बी एल यू ई -E, ब्लू यानी नीला तो नीले को हम मिलाएंगे छः नंबर से ये देखिए ये नीला है ये नीला कलर मिला दिया फिर है देखिए आ गया येलो वाई ई डबल एल ओ डब्लू येलो यानी पीला तो हम पीले को कैंस किसे मिलाएंगे एक नंबर से ऊपर से ये देखिए ये, ये येलो ठीक है फिर है आर ई डी रेड यानी लाल तो हम रेड कलर को इससे मिलाइए जैसे ये देखिए ये रेड कलर इस प्रकार भैया मेरे मिलाते जाएंगे ऑरेंज कलर कौन सा है देखिए तो ऑरेंज कलर हम मिलाएंगे ऑरेंज को पांच नंबर से तो देखिए एक दो तीन चार पाँच ये देखिए ये पांच नंबर का रंग है ना ये पांच नंबर ऑरेंज कलर फिर है नीचे ग्रे जी आर ए वाई ग्रे यानी स्लेटी रंग अब जो बाकी बचा है उसको हमको मिलाना है तो ये हो जाएगा तीन नंबर पर ग्रे ये देखिए तीन नंबर है ना ये ये ग्रे ठीक है तो इस प्रकार हमने ये मिला लिए ठीक है तो हमने आज एक्टिविटी सेकंड का पहला प्रश्न किया है अब दूसरा देखिए राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स देट एंड विथ सेम साउंड फॉर एग्जाम्पल पिन पिन टिन ठीक है तो इसी प्रकार हमारे को क्या करना है इसके सेम शब्द लिखने हैं इसमें मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना जैसे ट्रे तो इसमें क्या हो जाएगा क्रे प्रे ये दो मीनिंग लिख लेंगे कौन कौन से लिख लेंगे ग्रे प्रे तो ग्रे की मीनिंग क्या है जी आर ई वाई की पी आर ए वाई तो इस प्रकार ये दो मीनिंग लिख लेंगे नंबर दो में देखिए स्क्रीन इस तो इसमें क्या हो जाएगा ग्रीन और क्लीन तो जी आर डबल ई एन सी एल ई ए, ए एन क्लीन दो मीनिंग लिख लेंगे फिर थिंक तो निकले नीचे लिखेंगे पिंक आई एन के और डी आर आई एन के इस प्रकार ये तीनों में मैंने बता दिया ट्रे स्क्रीन और थिंक ये इसकी दो दो मीनिंग मैंने, मैंने बोल दिए ठीक है ट्रे की दो मीनिंग देखिए ग्रे प्रे स्क्रीन की ग्रीन क्लीन और थिंक की पिंक ड्रिंक ठीक है अब हम नीचे इसी प्रकार हम क्या करेंगे उच्चारण करेंगे ठीक है तो एक्टिविटी सेकंड का ए और बी कर लिया अब एक्टिविटी थर्ड से दीज वर्ड्स अलाउड मतलब इसको बोलना धौनी के साथ बोलना धौनी निकालते मतलब उसको साउंड तो पहला देखिए रेड हेड सेड बेड ब्लैक पेक रेक बेक ब्लू यू टू शू इट वाइट राइट लाइट तो इस प्रकार ये शब्द बोलने उच्चारण के तौर पर मेरे को क्या करना है बोलते हुए करना आगे का जो, जो क्वेश्चन है एक्टिविटी फोर का देखिए गो टू द वेजिटेबल मार्केट विथ योर पेरेंट्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल डेट यू सी दर नाउ राइट द कॉलर्स ऑफ दीज वेजिटेबल अग्नेश their एम्स इसके अंदर क्या करना भैया बेनो कि रंगों के अनुसार हमारे को सब्जियों के नाम बताने हैं। जैसे सब्जी होती है तो उसके रंग के अनुसार हमारे को मिलान करना जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हम बैंगन खरीदते हैं बी आर आई एन जी एल बैंगन की मीनिंग ये होती है लेकिन बैंगन का कलर क्या होता है भैया बोलो तो देखिए तो बैंगन का कलर हमारे को ध्यान में ही है कि पर्पल ठीक है ना? पर्पल यानी क्या होता है बैंगनी कलर होता है ना पर्पल बैंगन सभी को हमारे घर में काम में लेते ही है एक दो उदाहरण हम मैं और देता हूँ जैसे टोमेटो टी ओ एम ए टी ओ टेटो यानी टमाटर होता है तो टमाटर का रंग कैसा होता है इस प्रकार मतलब ये हमारे घर से जाएंगे जब पेरेंट्स के साथ में हम जाते हैं तो सब्जी लाते हैं तो उसकी मीनिंग भी हमारे को लिखनी है लेकिन उसके साथ में हमारे को कलरों का भी ध्यान में रखना है कि इसका कलर ऐसा है तो टोमेटो का रंग है लाल तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगी आर ई डी रेड यानी लाल इसी प्रकार फूल गोभी तो फूल गोभी मैं नहीं लिख सकता कहीं से भी ढूंढ के तो उसका रंग होता है एक तो वाइट और ग्रीन दोनों तरह से होता है तो भैया बहनों इसको हमारे को क्या करना है इसकी लिस्ट बनानी है जैसे सब्जी एक तरफ लिख ली और एक तरफ उसके रंग नाम लिख लिए तो इससे हमारे को ज्ञान हो जाएगा कि ये रंगों का कलर यह है और इस रंग कलर का यह है धन्यवाद भैया बहनों इसकी आपको पी भी मिल जाएगी